देखिए हमारे साथ है हरियाणा के पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य जी, जो आज रेवाड़ी पहुंचे हैं। लेकिन पूरा मामला बता देते हैं आपको के अभी दो दिन पहले ही रेवाड़ी में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, कहे भीषण एक्सीडेंट हुआ था। उसमें 5 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जो कि लघु वास के थे। उन्हीं के परिवार को यहां सांत्वना देने के लिए रेवाड़ी पहुंचे हैं और अब मीडिया से भी रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि दर्द बड़ा था। जितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था उसने अंदर तक लोगों को झकझोर दिया और उस परिवार को सांत्वना देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। सीधा एक बार बात कर लेते हैं जनाब, क्या कहेंगे, इतना दर्दनाक हादसा हुआ, आप सफीदों से यहाँ आए हैं। मैंने अखबार में उन 5 बच्चों के फोटो देखे, जो कि लिखा हुआ था कि 18 से और 22 साल के आसपास के ही थे, और देख करके मेरा मन पसीजा। मेरी कोई इस गांव में कभी मैं आया नहीं, मेरी कोई जान पहचान नहीं, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मगर मैं अपने साथियों को साथ लेकर के कि भाई देखा नहीं जा रहा, उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार जिसने पैदा किया, ये छोटे छोटे बच्चे अभी जवानी की दहलीज पर पांव ही रखा था, पूरी तरह से भी नहीं, 22 साल से ऊपर कोई था नहीं। तो मैंने फिर फ़ोन किया, मानवता के नाते मैं आया हूँ, यहाँ के सरपंच साहब हैं इनको फ़ोन किया, हमने SDO हैं हमारे भतीजे इनको फ़ोन किया, इंदर जी को, भाई मैं उस गांव में आया नहीं, परमजीत को किया कि आप आओ और मैं उस गाँव में जाना चाहता हूँ। जब भी मैं आँख बंद करता हूँ संध्या के लिए, आर्य समाज हूँ, यज करता हूँ, आँख बंद करके उपासना परमात्मा की करता हूँ, तो मुझे वो बच्चों के फोटो दिखते हैं कि ये क्या हो गया, छोटे छोटे बच्चे। क्योंकि इतिहास साक्षी है इस बात का, जब राजाओं के भी युद्ध होते थे उस समय ये कह देते कि स्त्री और बच्चों के ऊपर वार नहीं करेंगे। तो बात ये होती कि एक्सीडेंट कोई बड़े बुजुर्ग 100 साल 80 साल रोज होते हैं देश में, तो मध्य हरियाणा से चल करके शायद मैं नहीं आता, मगर मुझे लगा कि ये बच्चे, तो मैं आज यहाँ पर आया था, एक मानवता के नाते आया था। मैं उस गाँव में गया, लद्दुआश गुजर, ऐसा नाम लिखते हैं जैसे उन्होंने पता जाति का नाम जोड़ते हैं साथ में, तो वहाँ एक हरिजन का बेटा था, 4 गुजरों के बच्चे थे, सबके घरों में मैं गया, ढाढ़स बधाया, उन सबको मजबूती भी मिली है। तो इसलिए मैं अपने साथियों के साथ आया था के जा कर के उनसे मिलूं, उनके दुख में मैं शामिल हूं, इसलिए शामिल हूं। तो देखिए कहीं ना कहीं कहते हैं नेता तो अनेकों होते हैं, लेकिन जब इस तरीके का हादसा होता है तो जाहिर है ये भी एक पिता होंगे, इनके भी बच्चे होंगे, तकलीफ सभी को होती है कि जिस घर में इस तरीके के जवान हादसे हो जाए और एक एक साथ 5-5 कैजुअल्टी हो जाए, तो कहीं ना कहीं आम इंसान को भी झकझोर के रख देती है। और ये तस्वीरें जिस तरीके से मीडिया में छाई और उसके बाद ये सफीदों से यहाँ पहुँचे हैं, तो इनके दर्द को बयां करते हैं। हालांकि ये सांत्वना इन्होंने दी है, वहाँ जाकर के परिवार को ढांढस बंधाया है, और इनके साथ भी कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं ये तमाम लोगों को जो इनके साथ यहाँ पर आए हैं सफीदों से। तो जाहिर है दुख की घड़ी के अंदर किसी को सांत्वना देना एक बड़ा पुण्य का कार्य भी होता है, और एक नेता को तो वैसे भी आम लोगों से जुड़ करके रहना चाहिए। तो ये आए, इसके लिए रेवाड़ी की जनता भी इनका आभार व्यक्त करती है कि सफीदों से ये आए और इन्होंने इतना सोचा, एक दुख की घड़ी में एक परिवार में सम्मिलित हुए। लेकिन साथ में जब आए तो कुछ राजनीति चर्चा भी कर लेते हैं, क्योंकि हरियाणा की राजनीति भी इस वक्त गर्माई हुई है। जनाब क्या कहेंगे, कभी कुलदीप छोड़ के जाते हैं कांग्रेस से, आप बीजेपी में हैं, अब आप भी को भी सफीदों की जनता ने 1800 वोटों से हरा दिया, वजह क्या रही, लोग बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी का जो हालात और स्थिति है क्या कहेंगे उसको लेकर? राजनीति जीत हार समय की परिस्थितियां और परिस्थितियों के हिसाब से हुआ करती है। उन्होंने इतना, मेरा अंतर है, मैं हार गया मगर लोगों का 54,000 वोट लेकर के, जाति पाति से ऊपर उठ करके, जिस जाति से मैं हूँ उनके सिर्फ 3,000 वोट हैं 2,00,000 वोटों में, उन्होंने मुझे 54,000 वोट दिए इस इलाके में, कोई छोटी बात नहीं है। जहाँ तक बात है कि किसने पार्टी छोड़ी और कौन आया है, ऐसे ही पार्टियों में आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, ये सदा से आना और जाना बना रहा है। मैं भी कांग्रेस पार्टी में था, लगातार 30 साल तक रहा, एक बार मेरा टिकट कट गया था 2004-05 में, तो पंचायत करके इलाके के लोगों ने, सफेदों विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मेरे को खड़ा कर दिया, और जिस समय कांग्रेस की आंधी थी और 67 सीट आई थी, हम 10 MLA निर्दलीय बने थे, तब भी मैं 27,000 वोटों से निर्दलीय जीता था उस आंधी में।
तो ये तो चलता रहता है, हमेशा ही चलता रहेगा, उतार चढ़ाव चलता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन बच्चन सिंह जी, आज जिस तरीके से प्रदेश की हालत है, कहें कि एक बढ़ती बेरोजगारी की स्थिति है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, जो स्थिति किसानों की है, 3 बिल सरकार को वापस लेने पड़े, तमाम जो स्थितियां हैं, और आज कहें क्राइम की जो स्थिति है प्रदेश में, क्या कहेंगे उसको लेकर आपकी सरकार है, क्यों नहीं? आपने क्राइम के बारे में जिक्र किया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, इस मामले में दृढ़ निश्चय है उनका कि बदमाशों को मैं हरियाणा, या तो हरियाणा छोड़ दें, नहीं तो बख्शेंगे नहीं। अभी आपने रिवाड़ी का भी जिक्र हो रहा था कि जहां पर कब्जे हुए थे, जो इस तरह का गलत ढंग का पैसा कमाया हुआ या लोगों को भय दिखा करके पैसा लेना, गलत वसूली करना, हमारे पानीपत, जींद, इधर करनाल और जगह जगह पर आपने देखा है कि बर्डोजर चल रहे हैं, और जो बदमाशी करने वाले हैं उनको दिल्ली से, विदेशों से भी पकड़ पकड़ कर हरियाणा सरकार के, हमारे पुलिस के अधिकारी यहाँ पर लेकर के, जेलों से भी निकाल निकाल करके लेकर के आ रहे हैं। जहाँ तक बात है रोजगार की, अभी हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, कितने आपके नौकरी लगे हैं अभी इसी सरकार में, मेरिट के आधार पर? 15-16 बच्चे तो बगैर किसी पैसे के हमारे सरपंच साहब हैं गुजरवास के, तो ये खुद ही बता रहे हैं। किसी भी गांव में जाकर के पूछ लें, बिना सिफारिश के योग्यता के आधार पर खूब रोजगार मिल रहा है। चलिए एक ताज़ा मुद्दा, राजस्थान पे जिस तरीके से कांग्रेस में उठा पटक है, क्या देखते हैं, क्या गहलोत ने जो कुछ किया, क्योंकि आप कांग्रेस के परिवार का हिस्सा रहे 30 साल, आप कह रहे हैं, तो आपको लगता है जो अध्यक्ष बनाने के लिए सोनिया गांधी ने जिनको आमंत्रित किया और एक मुख्यमंत्री पद के लिए जिस तरीके से घमासान मचा, उसको किस तरीके से? मैं क्योंकि मैं इस ना तो इसमें कांग्रेस में हूँ और ना मैं, ठीक है, मैं पहले रहा हूँ, अगर मैं कांग्रेस में होता तो इस पर बात करता। हम भी टीवी पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, उनका अंदरूनी मामला है, हम तो साक्षी भाव से और दृष्टा भाव से देख रहे हैं, क्योंकि हम पार्टी उसमें है नहीं, किसी सिस्टम में ना इधर है ना उधर है, वो उनका मैटर है, जो सीन चल रहा है हम आनंद पूर्वक उसको देख रहे हैं। एक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या कहेंगे उससे? बीजेपी भी बौखलाई हुई है, आपके तमाम बीजेपी के नेताओं के बयान आते हैं रैली को लेकर के, जो राहुल गांधी पद यात्रा निकाल रहे हैं एक के बाद एक, क्या लगता है भाजपा में खलबली है? नहीं, भाजपा तो सरकार चला रही है, कोई तो बुधन 2024 को लेकर के कोई खलबली नहीं, जिस तरीके से यात्रा को समर्थन मिल रहा है, तो राहुल, आदरणीय राहुल गांधी जी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, युवा हैं, वो चल रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, उनकी पार्टी का उनका अपना काम है। जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी में तो बड़े अपने विकास की बात, अपने उसकी बात, सरकार है, सरकार में क्या, विपक्ष का जो काम है विपक्ष अपना काम करती है, सरकार का जो काम है सरकार अपना काम करती है। आपको लगता है विपक्ष मजबूत होना चाहिए? हाँ, ये मैं मानता हूँ कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं कोई बात तो करेगा, उसमें हम भी सचेत रहेंगे, हमारी पार्टी भी सचेत रहेगी और सरकार भी सचेत रहती है, और कोई सकारात्मक विचारधारा से अच्छा विपक्ष होना चाहिए, मजबूत तो हो मगर अच्छा हो, जो पॉजिटिव ढंग से, सकारात्मक ढंग से बात करे और सुझाव दे। कुछ चीज़ें रह जाती हैं, अच्छा विपक्ष उसमें सलाह दे करके देश और प्रदेश के विकास में साथ देता है। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि बीजेपी विपक्ष को ख़त्म करने पे आमादा है, और आप कहते हो विपक्ष मजबूत होना चाहिए। नहीं, ख़त्म कहाँ करे, वो तो इस सरकार में तो फुर्सत ही नहीं सरकार को, कि वो अपना काम कर रहे हैं बस, वो तो अपने आप ही लोगों का रुझान होता है, जनता की अपनी बात है कि वो किसको वोट दे किसको ना दे। आपको लगता है पिछले 8 साल में हरियाणा में कोई विकास हुआ है? कोई जबरदस्त, आप देखो सड़कें, बाईपास, बड़े बड़े हाईवे आज तक भी देखने को नहीं मिले थे, जहाँ जहाँ को ये हाईवे निकल रहे हैं, जहाँ जहाँ एक स्टेट से दूसरी प्रांत तक और जम्मू कश्मीर तक, जहाँ 10-10 घंटे लगते थे, वहाँ 4-4 और 5-5 घंटे में सफ़र कम हो रहा है, ऐसा विकास, सड़कें, बिजली और स्कूल, बहुत सी चीज़ें हैं जो सार्वजनिक कार्य हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है देश और प्रदेश में, और विकास की गति और आगे चले। आप मानते हो जिस सरकार में पहले आप रहे, कांग्रेस में रहे, उसमें विकास कार्य नहीं हुए या भ्रष्टाचार उसमें रहा? उस समय जब मैं सरकार में था उस समय वो अच्छी लगती थी, वो अच्छी थी, इस समय में बीजेपी में उस समय ये अच्छी लगती है। तो जैसे कि आपने सर्दी में रजाई अच्छी लगेगी,
और गर्मी में जो है एसी अच्छा लगेगा। तो यानी कि जिस सरकार के साथ रहेंगे उसके गुण गाए जाएंगे? गुण नहीं गाएंगे, वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि जितना विकास उस समय था, जिस गति से था, उस समय भी कुछ हो रहा था, और जो इसमें समय के हिसाब से स्पीड विकास ने पकड़ी है तो ये अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उस समय रहे और उनकी निंदा करनी शुरू कर दें। जो कुछ उस समय हुआ तो बजट लगता ही था, मगर अब और बहुत ज़्यादा बजट है। अब आदरणीय मोदी जी कर मनोहर लाल खट्टर जी की नीति से और ज़्यादा विकास की तरफ है, तो और ज़्यादा विकास की एक तरफ और है। बात कर लेते हैं, तीसरे मोर्चे को लेकर के चर्चा चल रही है, ये किस तरीके से देखते हैं? उसका तो हमारे विपक्ष के बहुत पुराने नेता हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जाने हमारे से बहुत सीनियर, हम इज्जत करते हैं उनकी, वो ही लगे हुए हैं इसमें। हमारी तो कोई बात ही नहीं कि वो तीसरा बनाए या चौथा बनाए। मैं चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जी का बहुत इज्जत करता हूँ, पुराने नेता हैं, मगर उसके बारे में तो वही बता सकते हैं। चलिए अंतिम सवाल कर लेता हूँ। आम आदमी पार्टी हरियाणा में गेन कर रही है, दिल्ली के बाद पंजाब में तमाम पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया, अब गुजरात की तैयारी कर रही है, लेकिन हरियाणा में भी सक्रिय है, क्या लगता है? कौन आम आदमी पार्टी? अरविंद केजरीवाल की पार्टी। अच्छा अच्छा, हाँ, वो हमारे मध्य हरियाणा में कोई जिक्र नहीं है हमारा तो वहाँ। अभी देखो, अभी तो वो जिक्र आता है अखबारों में कि हम तो वहाँ हिमाचल में लग रहे हैं, गुजरात में लग रहे हैं। गुजरात में तो बीजेपी के पसीने आ रहे हैं देखकर। हाँ, बड़े भारी पसीने का, तो ठंडक शुरू होगी। अगर गुजरात में ही पसीने आ गए फिर हमारा तो क्या रह गया। वो आदरणीय, वैसे तो मोदी जी की सारा भारत और ऐसी भूमि है, मगर वो कृष्ण की भूमि, आदरणीय मोदी जी की भूमि, एक तपस्वी प्रधानमंत्री की भूमि है, तो वहाँ तो अंधेरे में सुई ढूंढने वाली बात है कोई बात ही नहीं। और जहाँ से मैं राजनीति करता हूँ मध्य हरियाणा में, वहाँ कोई ज़्यादा जिक्र नहीं है। आगे भविष्य में क्या होगा वो भविष्य जाने, मगर जो बीजेपी के विकास कार्य हैं वो सारे भी मिलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये मुकाबला। आप बीजेपी में संतुष्ट है? दिल से बताएं, जबरदस्त है। अगर मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो मैं क्यों कहता, क्योंकि मैंने तो आज़ाद चुनाव भी लड़ा है, उस समय मेरा टिकट कटा था कांग्रेस से। तो मैं अगर संतुष्ट नहीं होता, मैं आर्य समाज, स्वामी आनंद बोध जो विश्व सत्र के अध्यक्ष थे, आर्य जगत के रहे हैं, बहुत बड़ी हस्ती थी, मैं उनके आदर्शों पर, ऋषि दयानंद के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहना आर्यों का पहला नियम है, तो मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ इस पार्टी में अपने नेता मनोहर लाल जी से। तो ये थे हमारे साथ बच्चन सिंह आर्य जी, जो रेवाड़ी पहुँचे थे, और अब हमने उनसे राजनीति भी आपको चर्चा कराई, तमाम सवालों के उन्होंने जवाब भी दिए। लेकिन एक सवाल ये उठता है, आम आदमी पार्टी को लेकर के जिस तरह से इनकी मुस्कुराहट कहीं ना कहीं आई है, कि एक संशय में पूछा कौन सी पार्टी, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल करती है कि आम आदमी पार्टी को शायद अभी हरियाणा में वो जगह नहीं है जो आम आदमी पार्टी चाहती है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज़ रेवाड़ी।